Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajbir Sisodia. And guys, रात के बज रहे हैं 2 और अभी हम हमारा वर्कआउट कर अभी हम हमारा वर्कआउट ख़त्म करके फ्री हुए हैं और अब बनाएंगे आपके लिए वर्कआउट वीडियो. हमारे आज जो वर्कआउट है हमारा, ये हमारा वेडनेसडे का वर्कआउट है. तो आपने जो वर्कआउट है, आने वाले 5 वेडनेसडे आपने ये वर्कआउट करना है, ठीक है. और क्योंकि मेरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है तो मैं ले रहा हूँ मेरा प्रोटीन शेक. आज जो हमारा वर्कआउट है वो है शोल्डर, ट्राइसेप्स और एब्स. बहुत बढ़िया शोल्डर वर्कआउट होने वाला है. दिल थाम के बैठिएगा और पूरा वर्कआउट देखिएगा. और जो भाई रिकवरी नहीं कर रहे हैं अपने मसल की, खाली मसल तोड़ना, मेक श्योर बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे अपने सप्लीमेंट में ऐड कर लेना. 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिल जाता है, 11 ग्राम ई डबल मिल जाता है और इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड है. मतलब कि जितने भी डब्बे इन्फॉर्म चॉइस से सर्टिफाइड होते हैं वो 100% ऑथेंटिक जेनवन होते हैं. ट्रस्ट सील इसके ऊपर आपको मिल जाती है. इसको अगर आप स्कैन करोगे तो आप पहुंच जाते हो बिग मसल न्यूट्रिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप इसकी सारी लैब रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो कि इसके अंदर अमीनो प्रोफाइल क्या है, इसके अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट है, कितना परसेंट प्रोटीन है. सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ जाके ज़रूर इसको बाय कीजिएगा. जो भाई मेरा बड़ा बॉक्स बाय कर पाए, बड़ा कर लेना. इसके अंदर 1 किलो का भी है, उससे आप शुरू कर लो. जो भी मेरे भाई बिगिनर हैं या अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो पहले ही बहुत पॉकेट फ्रेंडली है. बिग मसल न्यूट्रिशन की एक ही खास बात है कि पॉकेट फ्रेंडली सप्लीमेंट बनाता है सारे भाइयों के लिए. जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो भी कर लेते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके तुरंत बाय करो. अब हम फटाफट से 2 से 4 मिनट का रेस्ट लेके, भी बहुत थका हुआ हूँ, शक्ल आपको दिख रही होगी मेरी, आंखें बंद हो रही नींद से. अपना वर्कआउट फिर वीडियो. तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं. आपका आज का 33 डे का बुधवार का, आने वाले 5 बुधवार आपने सेम वर्कआउट करना, 5 हफ्ते. तो चलते हैं हमारे वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो. तो भाई सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग कर लेनी है अपने शोल्डर्स की बढ़िया करके. अपनी इनकी मोबिलिटी बढ़ाओ और थोड़ा सा इनको स्ट्रेच करके रखो ताकि बहुत ज़्यादा हैंग ना हो, ठीक है. तो पहला वर्कआउट जो आएगा हमारा वो आएगा शोल्डर बारबल प्रेस. मतलब कि बारबल से आपको शोल्डर प्रेस करने. इसके अंदर आपके बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, 6 सेट हैं. शुरू के 2 आपने लाइट वेट से करने, वो वार्म अप सेट में काउंट होंगे और 4 सेट जो एक्स्ट्रा होंगे वो वर्किंग सेट में काउंट होंगे. क्या समझे? शुरू के 2 सेट वार्म अप हल्के वेट से कर लो ताकि आपके शोल्डर थोड़े से खुल जाए, वेट लिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाए. रैप रेंज जाएगी 15-15, 12-12, 10 और फिर मैक्सिमम जितने आप लगा पाओ. तो ये हमारे 6 सेट की वो हुई है. मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म और टेक्निक इसमें क्या रहेगी हमारी. देखो बहुत से भाई ना हमारे, ये जो हमारा वर्कआउट है ये माँ है, हमारे सारे शोल्डर वर्कआउट की माँ है, ठीक है. तो इसमें हमारे बहुत सारे भारे क्या करते हैं ना, यहाँ से बारबल पकड़ते हैं और ऐसे इसको उठाते हैं. ऐसे ना उठा के इसमें हमने हल्की सी एल्बो आगे कर लेनी है. आगे जब करोगे ये पूरा, ठीक है, हल्की सी एल्बो आगे करके ये पूरा शोल्डर से उठाना, बारबल को शोल्डर से उठाना, ठीक. देखो जैसे मैंने बताया 6 सेट हैं, पूरे रैप नहीं मारूंगा, वीडियो लंबा होता है, आप लोग बोर होते हो जिम में क्योंकि वर्कआउट का मूड है और उसमें मैं बोलता रहूं तो मज़ा नहीं आता. 6 सेट हैं, पहले 2 सेट वार्म अप, अगले 4 सेट वर्किंग सेट, ठीक है. और जैसे मैं बता रहा हूं, फॉर्म क्या बता रहा हूं, देखो जो मैं गलत बता रहा हूं वो क्या बता रहा हूं, लोग क्या करते हैं ऐसे, ये ना होके हल्की सी एल्बो सामने कर लो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से. इसमें ऑलरेडी वेट लगा हुआ है तो आपने क्या करना, 5-5 किलो की वेट लगानी है. 15-16 रैप पहले 2 सेट में और उसके बाद अगले 4 सेट में जितना आप मैक्सिमम लगा पाओ, जिससे कि आपके 12-10 रैप निकले. तो इस तरह से आप पहली एक्सरसाइज करोगे 6 सेट की. चलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, लेट्स गो. तो भाई देखो दूसरी एक्सरसाइज हमारी क्या है, शोल्डर साइड लेटरल रेज प्लस शोल्डर फ्रंट लेटरल रेज. 20 रैप का 1 सेट है, 4 सेट करने हमने. क्या बोला मैंने, 20 रैप का 1 सेट है, 4 सेट करने हमने. 10 रैप करने साइड लेटरल, 10 रैप करने फ्रंट लेटरल, सुपर सेट है. कैसे करने मैं आपको दिखाता हूँ. ये शायद 22.5 किलो का डंबल है, इसमें आप मैक्सिमम जितना हैवी जाना चाहो उतना हैवी चले जाओ, बट मेक श्योर फॉर्म खराब ना हो और रैप आपके तमीज से निकले. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बिना रेस्ट लिए फ्रंट रेज. 1 पूरा सीधा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से, समझ गए.
10 रैप ये बिना रेस्ट किए, 10 रैप ये, तो इससे आप देखोगे आपके फ्रंट डेल्ट भी सेक्सी हो रहे हैं और साइड डेल्ट भी सेक्सी हो रहे हैं। तो इसके आपने 4 सेट करने हैं। ये हमारा एक सेट है, अगले सेट में 10+10, उससे अगले में 10+10, उससे अगले में 10+10, 4 सेट करने हैं। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई थर्ड एक्सरसाइज है हमारी सीटेड आर्नोल्ड प्रेस, इसमें आपने 5 सेट करने हैं, पूरे 5। जितने सेट बता रहा हूँ, जितने रैप बता रहा हूँ, उतने ही करना, और फिर मुझे एंड में बताना कि भाई वर्कआउट करा मज़ा आया। ठीक है, सीटेड आर्नोल्ड प्रेस करना है, 5 सेट करने हैं, 15, 12, 12, 10, 10, ये हमारी रैप रेंज रहेगी। ठीक है ना, 1 नीचे आएंगे ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत प्यार से नीचे जब आओगे स्लोली आओगे, 8, 9, इस तरह से 5 सेट करने, 15, 12, 12, 10, 10, ये आपकी रेफरेंस रहेगी। चलेंगे हमारे फोर्थ वर्कआउट की तरफ, सच को। तो भाई फोर्थ वर्कआउट है हमारा, रियर डेल्ट पे आ गए हम। फ्रंट डेल्ट हमने ट्रेंड कर लिए, साइड डेल्ट ट्रेंड कर लिए, अब आती है हमारी रियर डेल्ट की बारी। हमारा ये वाला जो मसल है, मुझे पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, अभी मेरा दिख रहा शुरू हुआ या नहीं, ये वाला जो मसल है ये हमारा रियर डेल्ट है, जो हमारे शोल्डर को पूरी गोलाई वाली शेप देता है आगे से, जैसे आपको दिख रही होगी राउंड। ये कभी भी इग्नोर मत करना भाई, अगर आपको 3D शोल्डर लुक चाहिए तो। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, बहुत से बारे हमारे बिल्कुल आगे घुस के बैठते हैं, आगे नहीं घुसना, हिप्स पीछे रखने, चेस्ट आगे रखनी है, और हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे आगे भी और पीछे भी, इस तरह से 1, 2, पूरे सीधे पीछे जाएंगे और पूरे सीधे आगे आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से रैप रेंज रहेगी, 15, 15, 12, 12, 4 सेट करने, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा हाथ हमारा सीधा पीछे सीधा आगे, इस तरह से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये मसल हमारा, एक सेट में पंप हो गया है ना, तो ये जब ज़्यादा पंप हो जाएगा तो पूरा 3D शोल्डर लुक आएगा, मज़ा आएगा शोल्डर में। तो चलेंगे हमारे फिफ्थ वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई शोल्डर का लास्ट वर्कआउट है हमारा डंबल श्रग्स, डंबल के साथ हमने श्रग्स करने, अब हमारे ट्रैप्स को हमने ट्रेन करना है, हमने डेल्ट्स कर लिए, रह गए हमारे ट्रैप्स, ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे। तो डंबल को आपने इस तरह उठाना मैक्सिमम हैवी, ठीक है, आपकी नेक रहेगी नीचे और ये ऊपर गए इस तरह, 1, 2, 3, 4, ऊपर आके हल्का सा स्क्वीज करना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से ये होगा आपका शोल्डर श्रग्स। तो आपने इसके मैक्सिमम करने हैं 10, 12, 15 रैप मैक्सिमम हैवी। अगर आपको ड्रॉप सेट करना है जैसे हमारे चार्ट में लिखा हुआ है एंड में आपको दिख जाएगा, इसमें आपको ड्रॉप सेट मारने हैं 5 किलो 10 किलो कम करके, पहले 10 रैप, फिर 5 किलो कम, फिर 10 रैप, फिर 5 किलो कम, फिर 10 रैप, ऐसे मारने, ऐसे मार लो मैक्सिमम हैवी के साथ, 10 से 15 रैप निकालने वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे बिगनर भी, इंटरमीडिएट लेवल वाले भी हैं जो उतना नहीं कर पाते, तो मैंने दोनों केसेस में बता दिया, वैसे करना वैसे कर लो, एक बारी में 15 रैप करना, एक बारी में 15 रैप कर लो। तो आज का हमारा शोल्डर वर्कआउट हो जाएगा यहीं खत्म, चलेंगे हमारे ट्राइसेप्स वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई आई होप यहाँ तक जब आप पहुँचे होंगे वीडियो में तो आपके शोल्डर पंप हो गए, फट रहे होंगे, तो अब यहाँ से शोल्डर वर्कआउट खत्म करके हम चल रहे हैं हमारे ट्राइसेप्स वर्कआउट की तरफ। बहुत सारे हमारे बिगिनर भाई इसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तुम्हारी एज में, जो छोटे एज वाले देख रहे हैं उनसे बात कर रहा हूँ, जब मेरे से भी बड़े देख रहे हो सॉरी, तो मैं ये कर नहीं पाता था क्योंकि फॉर्म ही नहीं समझ में आती थी। तो आपको पहले फॉर्म समझा दूँ, मेक श्योर पहले आप इस पे फील लेना सीख जाओ कि फील कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, उसके बाद वेट बढ़ाना। तो कम वेट से पहले आपने फील करना है, चेक करना है वर्कआउट में क्या दम है, इसको बोलते हैं हम क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस फॉर ट्राइसेप्स। ठीक है, कैसे करना है, जैसे हम चेस्ट में यहाँ से ग्रिप लेते हैं, तो जैसे चेस्ट में हम यहाँ से ग्रिप लेते हैं, यहाँ से ग्रिप ना लेके हमने यहाँ से ग्रिप लेनी है, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। ठीक है, और ये हम आए, ये हम नीचे आए और हमने इसको ट्राइसेप्स को यहाँ से टाइट कर दिया ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, देख रहे हो आप मेरे ट्राइसेप्स चल रहे हैं बस, क्योंकि ग्रिप क्लोज है तो चेस्ट मेरी फील कर ही नहीं पा रही है, चेस्ट पे आ ही नहीं रहा, 6,
सेवन एट। आपने क्या करना है, ट्राइसेप्स को अपने लैट्स से चिपका के रखना, जो हमारी बैक के लैट्स है ना, इनसे चिपका के रखना। नीचे आओगे, ऊपर आके जब प्रेशर मारोगे तो आपके सीधे सीधे ट्राइसेप्स खिंचेंगे। इसके आपने चार सेट करना है, जैसे मैंने बोला, पहले फील करना सीख जाना खाली रॉड से, या 5-5 किलो वेट लगा के, ठीक है। उसके बाद वेट बढ़ाना, पहले फील लो, समझो वर्कआउट क्या है, उसके बाद वेट बढ़ाओ। तो इसके आपने चार सेट करने हैं, 15-15, 12-12, 15-15, 12-12, ये आपकी रेप रेंज रहेगी। चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो सेकंड वर्कआउट है हमारा ट्राइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स केबल के ऊपर पुश डाउन विद अपसाइड डाउन वी बार। इसको हमने कैसे परफॉर्म करना है भाई, पता ही होगा आपको। इसमें आपने 5 सेट करने हैं, पहली एक्सरसाइज के 4 सेट, दूसरे एक्सरसाइज के 5 सेट। ईजी है, मैक्सिमम में भी जा सकते हो 15-12, 15-12, जो भी रेप रेंज निकले आपकी 15-12 के आसपास। ऐसे नहीं चार्ट में 10 लिख रहे हैं तो 10 ही करने हैं। अगर आपको ऐसे लगता है मैक्सिमम फेलियर तक जा पा रहे हो तो मैक्सिमम फेलियर तक चले जाओ। और जैसे मैंने ट्राइसेप्स में बताया, झटका नहीं मारना, सिंपली स्लोली ये ऊपर गए, ये हम नीचे आ गए, 1, स्लोली ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नीचे आके कॉन्टैक्ट कर रहे हैं मसल को, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से भाई आपने पूरे 5 सेट करने, 15-12, 15-12 रैप, 5 सेट। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। थर्ड वर्कआउट है हमारा भाई बिहाइंड द नेक डंबल एक्सटेंशन। बिहाइंड द नेक डंबल एक्सटेंशन कैसे करते हैं, जो भाई हमारे इस पर ना कर पाए या ऐसे ना कर पाए, जैसे मेरे शोल्डर में इंजरी है, मैं उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ ये करने में, तो वो पुली के ऊपर भी कर सकते हैं। पुली में नीचे रोप लगाओ, यहाँ से उठाओ और ये, और जो कर पाते हैं उनके लिए बता देता हूँ इस तरह। 1, एल्बोज हमारी अंदर रहेंगी, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रहेंगी, ऐसे अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसके करने आपने 4 सेट, 12-12, 10-10, ये रेफरेंस रहेगी। पहले में 12-12, 10-10। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जब आपका ट्राइसेप्स हो जाए तो आपने क्या करना है, नॉर्मल डिप्स मारने, रेगुलर बॉडी वेट से कोई वेट नहीं रखना, क्लोज ग्रिप हमारे ट्राइसेप्स के लिए इस तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15-12, 15-12 जितने भी रैप निकले 5 सेट आपने करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पंप, आपको दिख रहा होगा वर्कआउट के एंड तक। और वर्कआउट के एंड तक क्या, मैंने तो एक एक सेट करके आपको बताया, अगर मैं जितने सेट आपको बताएं उतने मार दूं तो भाई मेरा बहुत बढ़िया पंप आता है, स्पेशली इस दिन जिस दिन मेरा ट्राइसेप्स और शोल्डर वर्कआउट होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, कोर वर्कआउट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिक्लाइन बेंच के ऊपर 300 से 400 रैप आपने ये करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 300-400 रैप का मतलब नहीं, एक में ही करने हैं, 20-20 के रैप मारो, या 25-25 के मारो, या 30-30 के मारो, जैसे भी मारो, जितने भी सेट मारो, मेक श्योर 300 या 400 क्रंचेज आप कर रहे हो। और उसके बाद आपने करने लेग रेज, पैर सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह। मेक श्योर 150 के आसपास आपने लेग रेज करने, 300 से 400 क्रंचेज और 150, 200, 100 लेग रेज, ये आपका एब्स का वर्कआउट भी हो जाएगा, शोल्डर का हो ही गया, ट्राइसेप्स का भी हो गया। और इसके बाद थोड़ी बहुत जान रह जाए तो 20 से 30 मिनट आपने करना कार्डियो, जो भाई मेरे मोटे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं और हमारे कटिंग करना चाह रहे हैं, उनको इसके बाद 30 से 40 मिनट कार्डियो करना है। उसके बाद आप अपना बढ़िया बिगोसल न्यूट्रिशन का गोल्ड वे पियो, उसके बाद अंडे खाओ, चिकन खाओ, वेजिटेरियन हो तो पनीर खाओ, जो भी आपको डाइट बताया हुआ है वो डाइट खाओ, और फिर देखो बॉडी के ऊपर रिजल्ट, ठीक है। तो ये हमारा डेट 33 का वर्कआउट, वेडनेसडे का वर्कआउट, बुधवार का वर्कआउट। इस महीने में आने वाले, अब आने वाले 5 बुधवार आपने सेम वर्कआउट करना है शोल्डर के लिए, हर बुधवार को आप यही वर्कआउट करोगे। जैसे ही छठा हफ्ता चलेगा मैं आपका वर्कआउट चेंज कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत थका हुआ हूँ मैं भी, बहुत नींद आ रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में, बाय।